नमस्कार, मैं ज्योति वर्मा, आप देख रहे हैं ANTV। वक्त हुआ है सुपरफास्ट खबरों का, लेकिन पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। इसरो के इतिहास का वैश्विक मीडिया हुआ कायल, अमेरिका रूस समेत कई बड़े देशों ने की तारीफ। उत्तराखंड विधानसभा में हुआ रिकॉर्ड तोड़ मतदान, मतदाताओं ने लिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा, 69 सीटों पर 68% हुआ मतदान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर का मतदान हुआ संपन्न, 11 मार्च को होगा 721 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भेजा चुनाव आयोग को नोटिस, अदालत ने भड़काऊ भाषण पर जताई नाराजगी, चुनाव आयोग को आज देना होगा जवाब। चुनाव आयोग ने जताई पीएम आवास योजना वेबसाइट पर आपत्ति, पीएम और शहरी विकास मंत्री की तस्वीरों से आचार संहिता का हुआ उल्लंघन। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की बीजेपी की शिकायत, इरोम शर्मिला पर टिकट और पैसों के ऑफर का लगाया आरोप। यूपी में तीसरे चरण के चुनाव की तैयारी जोर शोर से, प्रधानमंत्री करेंगे हरदोई और बाराबंकी में रैली। राजनाथ सिंह करेंगे 4 जनसभाओं को संबोधित, वहीं अमित शाह भी करेंगे 3 जगह रैली। मणिपुर विधानसभा चुनाव में आज नामांकन की आखिरी तारीख, 19 फरवरी को होगी नामांकन की जांच। शशिकला ने किया बेंगलुरु की एक अदालत में सरेंडर, कोर्ट से मांगा था और समय, पर अदालत ने याचिका की सुनवाई को किया खारिज। तमिलनाडु ने पलनीसामी ले सकते हैं मुख्यमंत्री की शपथ, राज्यपाल ने बुलाया मुलाकात के लिए। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनने का इंतजार कर रही वीके शशिकला अब बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में बनाएंगी मोमबत्तियां। अब भारतीय स्टेट बैंक बनेगा वैश्विक बैंक, SBI ने सहयोगी बैंकों को विलय की दी मंजूरी, इसका बैंक कर्मियों पर नहीं पड़ेगा कोई असर। सुप्रीम कोर्ट में हुई 5 जजों की नियुक्ति, जजों की संख्या बढ़कर हुई 28। NDMC ने कनॉट प्लेस के सभी दुकानदारों को भेजा नोटिस, कहा 14 दिनों में संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाण पत्र करें जमा। CPCB की 2014-15 की प्रदूषण रिपोर्ट के अनुसार राजधानी दिल्ली से भी आगे निकल रहे हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ शहर। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद शहाबुद्दीन को दिया झटका, बिहार के सिवान जेल से निकालकर दिल्ली के तिहाड़ जेल में किया स्थानांतरित। NCRP के तहत देश भर के अस्पतालों से रिकॉर्ड इकट्ठा कर बनाई जाएगी कैंसर की नई व कारगर दवा। केंद्र और दिल्ली के बीच अधिकारों को लेकर चल रहे मुकदमे की सुनवाई अब करेगी 5 न्यायाधीशों की बेंच। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की इजराइल के प्रधानमंत्री से मुलाकात, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति वार्ता पर दिया जोर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।